नमस्कार, स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर जिरवावाड़ी थाना क्षेत्र से जब्त किए गए अवैध विस्फोटकों के संबंध में है, जो जिरवावाड़ी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जब्त किए हैं। बताया जाता है कि जब्त वाहन में भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक लदा हुआ है। इसको दो व्यक्ति लेकर जा रहे थे, उसे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार वाहन में भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक है। इसके ना तो कोई कागज दिखाए गए हैं, ना ही इसमें किसी तरह का कोई वैध कागज ही प्रस्तुत किया जा सका है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इसे साक्षरता मोड़ के पास से जब्त किया है। इसके साथ ही दो व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस इस मामले में पूरी जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास कर रही है। बताया जाता है कि शेखपुरा के जैन एक्सप्लोसिव नामक कंपनी के द्वारा यह अवैध विस्फोटक तालझारी के किसी व्यक्ति को भेजा जा रहा था। दो व्यक्ति इसे लेकर जा रहे थे। इस संबंध में डीएसपी ने और क्या बताया, चलिए सुनते हैं। पैट्रिक टीम के सदस्यों द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए दो व्यक्ति मोहम्मद जमशेद उम्र 28 वर्ष पिता स्वर्गीय सिराज एवं मोहम्मद मिस्टर उम्र 20 वर्ष पिता मोहम्मद शेख रवानी दोनों साथियों छोटी कुदर जन्ना थाना मुफस्सिल जिला साहबगंज को विस्फोटक लदा गाड़ी नंबर VR010GA3421 गाड़ी में पीछे डेंजर लिखा हुआ था बरामद किया गया है। जिसमें बरामद सामान में जो है विस्फोटक लदी गाड़ी जो है उसमें अंदर में विस्फोटक खराब वगैरह है। ये गाड़ी कहाँ से आ रही थी सर? इस पर अभी अनुसंधान किया जा रहा है। अच्छा, तो पुलिस को बरामद भूमिका रोड से आ रही थी, उस संदर्भ में पूछताछ की जा रही है कहाँ से माल लोड करके कहाँ ले जा रहा है।